हेलो गाइस, आई एम सौम्या सोनी एंड यू आर वाचिंग न्यू ईयर ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, आपको पता है कि हमारा जेई मेन का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट सेकंड है। पार्ट वन में हमने क्या देखा था, थ्योरी पार्ट देखा था और मैंने उसमें आपको कुछ बेसिक्स बताए थे और वो बेसिक्स के ऊपर ही जेई मेन में काफ़ी क्वेश्चन आए थे। मैंने बस एक पार्ट छोड़ा था, वो कौन सा था, ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन, सिर्फ वो वाला छोड़ा था, जो कि मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी अच्छे से, क्योंकि वो बड़ा पार्ट था और एक्चुअली उसको हम क्वेश्चन के थ्रू ही बता सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन है, तो जो क्वेश्चन में उसमें हम बता सकते हैं। नाउ गाइस, अब आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि जिस जिस बच्चों ने पार्ट वन देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट वन में मैंने ये कोशिश किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत सिंपल तरीके से बताने के लिए कोशिश किया था, और काफी कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि हाँ मैम, उन्हें लग रहा है कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर काफी सिंपल चैप्टर है, पहले लगता था कि टफ है लेकिन अब उन्हें सिंपल लग रहा है। और आप बात नहीं मानेंगे, लेकिन आप देखना कि जेई मेन में इससे इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना, आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, मींस काफी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेसिकली जेई मेन के पर्सपेक्टिव में कॉम्प्लेक्स नंबर काफी ज्यादा सिंपल चैप्टर है। इवन तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है लाइक nth रूट ऑफ यूनिटी, उसके ऊपर जेई मेन में क्वेश्चन नहीं आए, इसलिए मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता जेई मेन के पर्सपेक्टिव में। हाँ, जे एडवांस के टाइम में मैं आपको nth रूट ऑफ यूनिटी और भी कुछ कुछ केस होते हैं वो सब बताऊंगी, लेकिन जेई मेन के लिए जितना भी था मैंने बता दिया था, सिर्फ ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन को आज मैं बताने वाली हूँ। और गाइस, उसके अलावा भी इसी के साथ जो हमारा माइनर टेस्ट वन है ना, उसका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, बस उसमें बच क्या रहता है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम, इसको मैं क्या बताऊंगी, इसको मैं ना एक साथ मतलब किसी वीडियो में नहीं बताऊंगी इकट्ठा, मैं उसको अलग अलग वीडियो में बताऊंगी, मीन्स जहां जहां इसका एप्लीकेशन आएगा वहां वहां बताती जाऊंगी। जैसे कि अपन ने देखा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया था उसका एप्लीकेशन, ऐसे लिमिट्स में भी, लिमिट्स के जो लेक्चर्स हैं मेरे उसमें मैंने बताया था, मीन्स आगे फंक्शंस कई जगह पे आएगा, मीन्स ग्राफ में भी मैं उनको पढ़ाऊंगी, काफी जगह उनका आएगा। तो बेसिकली वो हमारा जो माइनर टेस्ट वन है इसका सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं कि कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो आपसे और ये भी बोलना चाहती हूँ कि क्वेश्चन का नाम आया ना, तो क्वेश्चन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इतनी आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। और उसके लिए हमने आपके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आया है और वो है हमारी EITS। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, हमारी जेई मेन अप्रैल एज वेल एज जेई एडवांस दोनों के लिए EITS आ चुकी है, और उस EITS में जाके आप अच्छे से जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मीन्स एक टेस्ट को आप दीजिए, उसका रिव्यू कीजिए, सॉल्यूशंस देखिए और उसका पाई चार्ट के फॉर्म में अपनी एनालिसिस देखिए, बार ग्राफ के फॉर्म में देखिए, मीन्स सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा और बहुत अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस, वो भी ऑनलाइन। जिस तरह से आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे ना असली में जेई मेन का, सेम टू सेम वैसे ही आपको लगभग वहीं पर दिखेगा। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2018 में आया था और ये क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व करवाई हूँ, सिमिलर क्वेश्चन था, AITEE 2010 में था, और जो ये मैंने अपनी क्वाड्रेटिक की वीडियो में करवाया था, आप देख सकते हैं जो मैंने जेई मेन जनवरी के लिए करवाई थी, सेम क्वेश्चन था, 2010 में आया था, सेम टू सेम इक्वेशन, बस यहाँ पर अल्फा की पावर क्या थी, 2009 थी वहां पर, और बीटा की पावर भी 2009 थी, मीन्स वो इतना मैटर नहीं करता, आपको पता चल जाएगा पावर कुछ भी चढ़ाओ आप इसे कर सकते हैं, लेकिन सोच रहे सेम टू सेम इक्वेशन सब कुछ सेम, मीन्स एक क्वेश्चन ये 2018 में और वैसे 2010 में भी आ चुका है, और वैसे ही कि वैसे ही क्वेश्चन अभी 2019 में भी आया था, सिमिलर ऐसे क्वेश्चन 2019 में आया था, मींस मुझे समझ में नहीं आता, मींस जेई मेन को ये क्वेश्चन इतना पसंद कैसे आ गया कि बार बार इस क्वेश्चन को वो दे रहे हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन में है, इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सी, सी मींस कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन अल्फा की पावर 101 प्लस बीटा की पावर 107 इज, मीन्स हमें एक इक्वेशन दी है और उसके बता रहे हैं कि अल्फा बीटा उसके रूट से उनकी पावर हमें बतानी है। अब देखेंगे इतनी भारी भारी पावर से यार इनका क्या करना है, कोई नहीं यार, क्वेश्चन को सॉल्व तो करो, दिखेगा आपको कि नहीं ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे, अब इसके आप रूट्स निकालना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो जैसे आप इसके रूट्स निकालने बैठेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे माइनस बी मीन्स वन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मीन्स वन माइनस फोर मीन्स माइनस थ्री बाई टू, सो वी कैन राइट इट एज वन प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू। नाउ ये तो कुछ कुछ सिमिलर दिख रहा है ना, ऐसा हमने कहीं नंबर देखा है, कहाँ देखा था, मेरी पिछली वीडियो में देखा था, वो क्या था, क्यू रूट ऑफ यूनिटी, वो क्या होता है, माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू एंड माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू। तो अगर इसको देखो ये अल्फा बीटा को गौर से, तो ये आ क्या रहे हैं, वन प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू, तो अगर एक रूट क्या हो गया अपना, एक रूट हो गया अपना वन प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू, और सेकेंड रूट क्या हो गया, सेकेंड रूट हो गया
वन माइनस आई टू थ्री बाई टू, तो क्या मैं इसे माइनस ऑफ, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ सारे रूट्स को, दिस रूट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस वन माइनस आई टू थ्री बाई टू, एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ माइनस वन प्लस आई टू थ्री बाई टू। अरे ये क्या आ गया, ये तो हमारे पास क्यू रूट ऑफ यूनिटी आ गया। ध्यान से देखना तो ये क्या बन गया अपने पास, अगर हम इसमें से किसी को भी ओमेगा मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये अगर ओमेगा हो गया, ओमेगा इज क्यू रूट ऑफ यूनिटी, तो ये क्या हो गया अपना ओमेगा स्क्वायर। अब बताना क्या है हमें, अल्फा की पावर 101 प्लस बीटा की पावर 107। अब अपन को रूट्स क्या मिल गए, ये हो गया माइनस ऑफ ओमेगा, क्योंकि ओमेगा ये होता है, तो ये जो रूट आ गया वो माइनस ऑफ ओमेगा आ गया और माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो अपने पास आ गया अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा, बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अब उनकी पावर है, चलो देख लेते हैं पावर लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा की पावर 107 मीन्स माइनस ऑफ ओमेगा की पावर 101 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 107। अब नाउ गाइस यहां पर पावर क्या है, पावर ऑड है, तो वी कैन राइट इट एज माइनस वन की पावर 101 ओके इनटू ओमेगा की पावर 101। अब माइनस वन की पावर 101 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए यहां पर ये आ जाएगा माइनस ऑफ नाउ ओमेगा। ओमेगा में मैंने क्या बताया था आपको कि आप ये बात याद रखना कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो उसकी पावर 3n, वेयर n इज एन इंटीजर, तो मींस इसकी पावर कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसमें से कोई 3 का मल्टीपल बाहर लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 101 है, तो वी कैन टेक 99, ओमेगा की पावर 99, तो ओमेगा की पावर 99 क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 99 दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा की पावर 3 की पावर 33, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो 1 की पावर कुछ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और ये अपने पास क्या बचेगा, ऐसे सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस वन की पावर 107, वो भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से अपन माइनस ले लेते हैं। नाउ ओमेगा की पावर 214, तो 214 उसके आसपास क्या कोई 3 का मल्टीपल दिख रहा है, 214 मीन्स 4 प्लस 1 प्लस 2 मीन्स 7, तो 213 इज मल्टीपल ऑफ 3। नाउ 213 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो जब हम इसे कॉमन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। ओमेगा की पावर कोई भी 3 का मल्टीपल, दैट विल बी इक्वल टू 1, तो ये अपने पास क्या बचेगा, ये अपने पास बचेगा माइनस ऑफ ओमेगा। तो बेसिकली ये आ गया क्या जो हमें निकालना है, ये आ गया अपने पास माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब एक और रिलेशन हमने आपको बताई थी मैंने क्यू रूट ऑफ यूनिटी, वो क्या कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। मींस यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से क्या पता चल गया, यहां से पता चल गया कि 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, माइनस ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बस। तो इसके इससे क्या पता चल रहा है कि दिस थिंग इज इक्वल टू 1। सो आर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ ये दूसरा क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन 2010 में आए थे, वो मैंने आपको सॉल्व करवाया था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, तो दूसरा क्वेश्चन है 2011 में आया था, बट जो ये क्वेश्चन है इसमें भी हम ओमेगा देख रहे हैं, ठीक है, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहाँ भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, मीन्स दे रहे हैं कि ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, ऑलरेडी दे रहे हैं, मीन्स 1 के अलावा दूसरे जो रूट हो सकते हैं मे बी वो। नाउ इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब इसको बोल रहे हैं कि ओमेगा इज क्यू रूट ऑफ यूनिटी, मीन्स क्यू रूट ऑफ यूनिटी क्या थे, 3 थे मैंने आपको बताया था, तो 3 में से 1 नहीं है, बाकी जो 2 बचे हैं, तो बाकी 2 कौन होते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इज अ क्यू रूट ऑफ यूनिटी, एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, देन ए बी बताना है अपन को बेसिकली ए और बी की वैल्यू बताना है। तो ये क्वेश्चन तो और ही अच्छा हो गया, मतलब अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। कैसे, अपन को पता है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 7, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, सो 1 प्लस ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब नाउ गाइस ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो माइनस 1 की पावर 7 इंटू ओमेगा की पावर, सॉरी माइनस 1 की पावर 7, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो माइनस 1 की पावर कोई भी ऑड पावर हो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा की पावर 14 दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा।
अब नाउ गाइस यहाँ पर भी अपन 3 का मल्टीपल खोजेंगे, तो इसके आसपास कोई 3 का मल्टीपल दिख रहा है इससे छोटा? हाँ, कौन? 12। तो बेसिकली ओमेगा की पावर 12 वो क्या हो जाएगा? 1। ओमेगा की पावर कोई भी 3 का मल्टीपल वो एक हो जाएगा 1। तो ओमेगा की पावर 12 क्या हो जाएगा? 1। तो बच क्या रहा है अपने पास? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। फिर से इस इक्वेशन का यूज करो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज क्या कि 1 प्लस ओमेगा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो पता चल गया यहाँ से क्या हो गया कि 1 प्लस ओमेगा दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब दोनों साइड आप कंपेयर कर लो, क्योंकि देखो ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली 1 प्लस ओमेगा दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, तो इसीलिए इनको कंपेयर ही आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि ए दिस इज इक्वल टू 1 एंड बी दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो क्या आ गई? हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.1, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब गाइस अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो इसकी स्पीड है ना, इसको स्पीड को आप थोड़ा कम कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो किसके ऊपर थे? वो थे ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मीन्स आप देखना जेई मेन में इतना टफ क्वेश्चन वो दे ही नहीं रहे कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये हमारे लिए ना बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि 4 नंबर मीन्स आपकी रैंक यहाँ से यहाँ हो सकती है, मीन्स काफ़ी ऊपर हो सकती है। गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जेई मेन 2017 में आया था। अब ये क्वेश्चन भी किसके ऊपर है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर है। दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा कैसे। देखो, लेट ओमेगा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 2 ओमेगा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू जेड, वेयर जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर जेड की वैल्यू दी, तो आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो जल्दी से निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू माइनस 3, मीन्स आयोटा रूट 3। जैसे आप यहाँ इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइड बाई 2। अरे ये क्या होता है? ये तो क्यू रूट ऑफ यूनिटी होता है। मीन्स यहाँ पर भी क्यू रूट ऑफ यूनिटी आ गया। मीन्स 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे पहले आ चुके जेई मेन में, एक चौथा ये, और इससे पहले भी क्यू रूट ऑफ यूनिटी क्वेश्चन आया है। तो पता नहीं क्यों, मतलब जेई मेन को क्यों इतना पसंद आ गया ये टॉपिक, बट क्यू रूट ऑफ यूनिटी पे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स काफ़ी सिंपल है, बस आपको कुछ देखना नहीं है, और उसी के ऊपर बस आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना है, उसी में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें ये आ गया। नाउ एक कुछ डिटरमिनेंट दिया हुआ है और अपन को के की वैल्यू निकाल दी है, तो निकाल लेंगे। बस यहां पर एक इस चीज का यूज करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, जो कि मैंने आपको पहले बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में और पिछली वीडियो में भी। और सेकंड ये कि ओमेगा की पावर 3n वेयर n इज एन इंटीजर दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो जैसे इसको करेंगे तो ये डिटरमिनेंट जो है अपना वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना 1 1 1। नाउ यहां 1, अब माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? अपन को पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों को माइनस ले जा रहे हैं किस साइड? साइड, तो माइनस ऑफ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, समझ रहे हैं ना? इसको भी इस साइड ले जा रहे हैं, उसको भी इस साइड ले जा रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की पावर 7, तो इसके आसपास क्या कोई 3 की पावर है? हाँ है। क्या? ओमेगा की पावर 6, तो ओमेगा की पावर 6 दैट विल बी इक्वल टू 1, 3 का मल्टीपल है ना, इसीलिए। तो ये क्या बचेगा अपने पास? ओमेगा। अब इस डिटरमिनेंट में देखो कि यहाँ तो 1 1 1 है, यहाँ 1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 ओमेगा स्क्वायर, और अपन को पता क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, तो बस उसी का ही हम यहाँ यूज करेंगे। तो डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कि मतलब इस तरह से लिख सकते हैं कि R1 को अपन रिप्लेस कर सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो अपन को जो चाहिए ना वो मिल जाएगा। देखो कैसे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 3, ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और आपको पता है दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या मिल गया? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ओके, अब ये डिटरमिनेंट बहुत आसान हो गया खोलना इसको, तो जैसे आप इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू
ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4। अब फिर से ओमेगा की पावर 4 के आसपास क्या कोई 3 की मल्टीपल वाली पावर है? यस, 4 के आसपास क्या है? 3 खुद ही है ना, तो क्या हो जाएगा ये, दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। नाउ ये अपन को क्या है, ये अपने पास दिया हुआ है कि 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा दैट इज इक्वल टू, वो दैट इज इक्वल टू दिया हुआ अपने पास 3k। ओके नाउ गाइस अपन को निकालना है ओमेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ना यहाँ पर, तो k इज इक्वल टू मिल गया अपन के पास कि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब ओमेगा क्या था, ओमेगा अपने पास था ये माइनस वन प्लस आयोटा रूट 3/2। तो आपको मैंने बताया था कि इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपना माइनस वन माइनस आयोटा रूट 3/2। ठीक है, अब माइनस ऑफ ओमेगा तो मीन्स माइनस ऑफ माइनस वन प्लस आयोटा रूट 3/2। जैसे आप इसको लिखोगे तो यहाँ से देखना कि ये वाला और अपने पास क्यों चाहिए, हाँ ये माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा अपने पास माइनस ऑफ 2 आयोटा रूट 3/2। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया ना, तो यहाँ से अपने पास बचा क्या, माइनस ऑफ आयोटा रूट 3 मीन्स माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस 3। ओके एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके गाइस नाउ हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप देख रहे हैं ना क्यूब रूट ऑफ यूनिट पे, पता नहीं उन्हें कितना अच्छा लग गया कि इतने सारे क्वेश्चन बना दिए। नाउ गाइस दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें दिया हुआ है अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज सेड टू बी यूनिमॉड्यूलर इफ मॉड जेड इक्वल टू 1। ठीक है, मीन्स आपको बता रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिमॉड्यूलर तब बोलते हैं जब उसका मॉडुलस क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। बस सिंपल सी बात है, सपोज जेड वन एंड जेड टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड वन माइनस Z2 divided by 2 minus Z1, Z2 का कॉन्जुगेट इज यूनिमॉड्यूलर एंड Z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर, देन द पॉइंट Z1 लाइज ऑन आ, मीन्स बेसिकली क्या, एक भारी भारी सा कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया अपन को इतना बड़ा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि एक यूनिमॉड्यूलर है, तो है कोई बात नहीं, हम उसको हम यूज करेंगे। नाउ सेकंड बोल रहे हैं कि Z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर, तो ये आप बात याद रखना कि Z2 यूनिमॉड्यूलर नहीं है। ठीक है, नाउ अब पूछ रहे कि Z1 लाइज ऑन आ, तो स्ट्रेट लाइन सर्कल ये सब, मीन्स बेसिकली मुझे क्या बताना है कि Z1 का लोकस बताना है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, और ये कब आया था, 2015 में, जबकि मैंने एग्जाम दिया था, ये तो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो गाइस इसको अपन देखेंगे, तो जो ये क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आई थिंक NCERT में भी था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जब मैंने NCERT लगाई थी तो बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं लगाए थे, लेकिन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाए थे, उसमें एक लगभग ऐसे सिमिलर क्वेश्चन था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो यहाँ से गाइस क्या मिल रहा है कि दिस इज यूनिमॉड्यूलर, मीन्स इसका मॉड क्या है, 1 है। नाउ यहाँ से अपन को पता चल जाएगा कि मॉड ऑफ Z1 माइनस 2 Z2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ से अपन को पता चल जाएगा कि मॉड ऑफ Z1 माइनस 2 Z2 दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड को बराबर लिखा है, तो यहां से क्या आप मॉड ऐसे हटा सकते हो? नो, वी कांट, अपन लोग मॉड ऐसे नहीं हटा सकते जब तक कि अपन को पता ना हो कि एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। ठीक है, लेकिन मॉड को हटाने का एक और तरीका होता है, वो क्या तरीका होता है गाइस, कि आपने एक चीज देखी होगी कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, सॉरी जेड है ना, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, तो इस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये आप कैसे दिख सकते हैं, आपको पता है कि भाई मॉड की मॉड क्या होता है, वो रख लो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो x प्लस आयोटा वाई, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, बहुत आसान है। ठीक है, नाउ गाइस अपन क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, क्योंकि अपन को मॉड तो हटाना है, तभी तो अपन कुछ ना कुछ देख पाएंगे ना, अदरवाइज कैसे पता चलेगा। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, दोनों साइड अपन ने स्क्वायर लगा दिया, तो बस इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो जैसे इसको यूज करेंगे, बस क्या मिलेगा, Z1 माइनस 2 Z2 इंटू उसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट माइनस 2 Z2 का कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है 2 माइनस Z1 Z2, तो
जेड वन का कॉन्जुगेट जेड टू से हट जाएगा, सॉरी जेड वन जेड टू का कॉन्जुगेट, और यहाँ से क्या पता चल जाएगा टू माइनस। अब गाइस यहाँ पर देखना आप, ये जेड वन का कॉन्जुगेट और जेड टू से हट जाएगा। कैसे? कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है ना कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसका कॉन्जुगेट, तो फिर से हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा ना, तो वही मैंने किया है यहाँ पर। नाउ इनको क्या कर लेते हैं, अपन ओपन कर लेते हैं। जैसे अपन इनको ओपन करेंगे तो अपन को मिल जाएगा, जब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो यहाँ से अपने पास क्या बचेगा कि बेसिकली अपने पास बचेगा जेड वन इंटू जेड वन का कॉन्जुगेट। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से अपन इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी ना, फिर से अपन इसको यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, जेड वन मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर। अब कहेंगे मैम बार बार क्या कर रही हो आप, फिर से उसका यूज कर रही हो, फिर से उसका यूज कर रही हो, तो इसलिए कर रही हूँ मैं जिससे कि ये क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। नाउ गाइस यहाँ से एक बात याद रखना कि ये क्या हो रहा है, माइनस टू जेड टू इंटू जेड वन का कॉन्जुगेट, ये अपन को इस साइड भी मिल रहा है और ये अपन को इस साइड भी मिल रहा है। ठीक है, माइनस टू जेड टू इंटू जेड वन का कॉन्जुगेट, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कौन सा, माइनस टू जेड वन इंटू जेड टू का कॉन्जुगेट, यहाँ से मिल गया माइनस टू जेड वन टू जेड टू का कॉन्जुगेट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये क्या है, क्रैश कोर्स की वीडियोज़ हैं, मैं नहीं चाहती कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम किल हो। अब इन दोनों को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस फोर जेड टू इंटू जेड टू का कॉन्जुगेट, दैट विल बी अगेन जेड टू मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर। ओके गाइस, नाउ गाइस दैट इज इक्वल टू, अब इस साइड अपन ने दो कैंसिल आउट किए थे वो भी, तो यहां पर भी क्या बचेगा, फोर प्लस जेड वन का मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर। इन दोनों को जब आप इंटू करोगे तो जेड वन इंटू जेड वन का कॉन्जुगेट वो फिर से हो जाएगा मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर, सिमिलरली मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर। नाउ इसको इस साइड ले आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे इसको साइड ले आएंगे तो अपन को क्या पता चल जाएगा कि अपन को पता चलेगा कि ये अपने पास 4 है ना, हाँ, तो 4 मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर, माइनस 4 साइड लिया है, ठीक है, प्लस जेड वन का स्क्वायर माइनस जेड वन का स्क्वायर इंटू जेड टू का स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर। नाउ गाइस इसमें अपन क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लो, दौड़ के जल्दी से 4 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये जेड टू का स्क्वायर माइनस वन। ओके, यहाँ से अब माइनस ऑफ जेड वन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे यहाँ से माइनस ऑफ जेड वन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अपने पास क्या बचेगा, मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर माइनस वन। ओके, अब ये इनके फैक्टर बन जाएंगे ना, तो फैक्टर बन जाएंगे तो क्या पता चल जाएगा अपन को कि 4 माइनस मोड ऑफ जेड वन का स्क्वायर इंटू मोड ऑफ जेड टू का स्क्वायर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो रिजल्ट आ रहे हैं, एक रिजल्ट ये आ रहा है कि मोड ऑफ जेड टू का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि मोड ऑफ जेड, अगर या तो इधर ये हो और ये हो, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जेड टू यूनिमॉडुलर हो जाएगा, और क्वेश्चन में दिया है कि जेड टू यूनिमॉडुलर नहीं है, मीन्स ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नाउ अब क्या बच रहा है, अब अपने पास बस एक ही चीज़ बच रही है कि मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4। अब जैसे आप इसको देखेंगे मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4, अब इससे अपन क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं ये भी आप देख लेते हैं। अपने पास आ गया कि मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4, इट इम्प्लाइज मॉड ऑफ जेड वन दिस इज इक्वल टू 2। अब आपको क्या बताना है कि इसका लोकस क्या है, तो अब आ गया अपने पास ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन, और कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, मीन्स रियल नंबर में जो आप पढ़ते ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके कंपैरिजन में सिंपल है। कैसे, देखो यहाँ पर, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि मॉड ऑफ जेड वन इज इक्वल टू 2, तो वी कैन राइट इट एज मॉड ऑफ जेड वन माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ अगर अपन कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाएं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में अपन आप देखना कि आपके सामने अगर इस टाइप से कुछ दिया हो, इस टाइप से कुछ दिया हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 मीन्स मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, तो ये क्या डिनोट करता है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट करता है डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू। ओके, तो क्या मैं बता सकती, मैं बोल सकती हूँ कि मॉड ऑफ जेड वन माइनस जीरो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड जेड वन, क्या मैं बोल सकती हूँ, यस सेम टू सेम चीज़ है ना, कोई भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी उस तरह से कि मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, इसका मतलब ही होता है कि जेड वन और जेड टू के बीच की डिस्टेंस, तो
ये क्या बोल रहे कि जेड वन और जीरो जीरो की जीरो कॉमा जीरो मीन्स ये वाला पॉइंट इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है टू है, मीन्स इनके बीच की जो डिस्टेंस वो हमेशा फिक्स है वो भी क्या है टू है। इसका मतलब समझ गए क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जेड वन एक सर्किल है, एक सर्किल पे चलेगा जिसकी रेडियस क्या होगी, जिसकी रेडियस होगी हमेशा टू, एंड सेंटर क्या होगा उसका, सेंटर होगा अपना जीरो कॉमा जीरो। क्योंकि इस सर्किल पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे जैसे कि ये ले लिया या फिर ये ले लिया तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम जीरो कॉमा जीरो वो क्या होगी, वो हमेशा टू होगी। तो पता चल गया कि जेड वन क्या होगा, जेड वन विल बी, जेड वन विल लाई ऑन अ सर्किल विथ रेडियस टू एंड सेंटर जीरो कॉमा जीरो। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ भाई ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी सर्किल ऑफ आर इक्वल टू टू, तो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। गाइस आपने देखा कि ये वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी, ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल था, बस प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ा टाइम टेकिंग था, मीन्स आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। अदरवाइज अगर आप अगर इसमें देखें कि बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है तो हाँ दो दो कॉन्सेप्ट को मिक्स किया है बट कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व थी, मीन्स बहुत ज़्यादा टफ हम इसे नहीं बोल सकते। अब हम दो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो पूरे के पूरे ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन के ऊपर ही हैं। गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि जे में 2014 में आया था और एक और जो कि जे में 2012 में आया था, दोनों को दोनों ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन पे हैं। और इस क्वेश्चन को पढ़ना, ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा टफ लग सकता है लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। कैसे, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू टू देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस 1/2, ये पूछ रहे हैं मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू टू, अभी पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें क्या था कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू टू, इसका मतलब क्या हुआ कि जेड एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका कि ओरिजिन क्या है जीरो, सॉरी जिसका सेंटर क्या है जीरो कॉमा जीरो और जिसकी रेडियस क्या है टू। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू टू मीन्स जेड माइनस जीरो इज ग्रेटर दैन इक्वल टू टू, मीन्स आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि ये एक ऐसे सर्कल पे लाइक ये क्या बोल रहा है, इसके हिसाब से ये हो रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड जीरो कॉमा जीरो दिस इज ईदर इक्वल टू टू और ग्रेटर देन टू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जेड कहाँ कहाँ किस रीजन में लाइक करेगा, तो आप क्या करो एक सर्कल बना लो, ये जीरो कॉमा जीरो और इसकी रेडियस क्या है टू रेडियस का सर्कल है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि यहां या तो इस सर्कल पे लाई करेगा क्योंकि मॉड ऑफ जेड माइनस जीरो दिस इज इक्वल टू टू, ये क्या बता रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जीरो कॉमा जीरो दैट इज इक्वल टू टू। तो या तो इस सर्कल पे लाई करेगा या इसकी डिस्टेंस क्या है उससे बड़ी है टू से, तो या तो सर्कल पे लाई करेगा या सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा, मिस इस एरिया में पूरे लाई करेगा। नाउ गाइस ये आपको पता चल गया, अब पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2, सो वी कैन राइट इट इज मॉड ऑफ जेड माइनस ऑफ माइनस 1/2। अब समझ रहे होंगे कि ये क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको बताया था कि मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू ये क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू। अब यहाँ पर माइनस था नहीं तो अपने आप से माइनस ले आए, अपने आप से माइनस ले आए तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका कि इमेजनरी पार्ट जीरो है। तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस वन कॉमा माइनस 1/2 कॉमा जीरो, तो माइनस 1/2 कॉमा जीरो कहाँ पर आएगा, ये क्या हो जाएगा देखना ध्यान से, ये हो जाएगा अपना माइनस 2 कॉमा जीरो। ओके माइनस 1/2 कॉमा जीरो कहीं यहाँ होगा, ठीक है इस तरह से माइनस 1/2 कॉमा जीरो ये कोई पॉइंट होगा। अब इनके बीच की डिस्टेंस ये क्या बोल रहे हैं मिनिमम होनी चाहिए। अब आप याद रखो कि ध्यान देना कि इस रीजन में जेड कहाँ लाई करे कि जेड की और उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो, क्या यहाँ लाई करेगा तो मिनिमम होगी नहीं, क्या यहाँ लाई करेगा तो मिनिमम होगी नहीं, क्या यहाँ लाई करेगा तो मिनिमम होगी नहीं, कहीं भी लाई करेगा तो यहाँ मिनिमम नहीं होगी, मिनिमम बस कब होगी जब जेड यहाँ लाई करे यहाँ पर। इसका मतलब क्या पता चल गया कि इस डिस्टेंस को मिनिमम होने के लिए जेड कहाँ पर लाई करेगा इस पॉइंट पे, और जेड अगर इस पॉइंट पे लाई करेगा तो जेड की वैल्यू पता चल गई ना मेरे को कि जेड की वैल्यू क्या है माइनस टू प्लस जीरो इंटू आयोटा मीन्स माइनस टू। अब बस इनकी वैल्यू पता चल गई तो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी बता देंगे ना तो क्या हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस टू माइनस माइनस 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 3/2 एंड दैट इज इक्वल टू 3/2। अब
जो 3/2 वैल्यू है, क्या ये वैल्यू इज इक्वल टू 5/2? नो, दिस इज नॉट इक्वल टू 5/2. क्या ये 3/2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है? यस, ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है. क्या ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2 है? नहीं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2 नहीं है. क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2 बट लेस देन 5/2? तो ये वाले ऑप्शन भी नहीं है. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. अब गाइस यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ जेड इज नॉट इक्वल टू 1. मींस ऑलरेडी आपसे बोल रहे हैं कि जेड इक्वल टू 1 नहीं है एंड जेड स्क्वायर माइनस, देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, नया कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या कि जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 इज रियल. मींस ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? रियल है, या फिर बोल सकते हैं प्योरली रियल. ठीक है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए प्योरली रियल. अब प्योरली रियल क्या होता है? मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, प्योरली रियल तब होता है जब उसका जो इमेजनरी पार्ट हो वो क्या होता है? जीरो होता है. अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट क्या हो? जीरो हो, तो वो क्या हो जाएगा? प्योरली रियल हो जाएगा. वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगना है. देन द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लाइज, मीन्स जेड का हमें लोकस बताना है. अब कुछ वो ऑप्शन थे, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन थे, मैंने लिखा नहीं, मैं उनको बोल दूंगी. पहले अपन देख लेते कि इसका लोकस होना क्या चाहिए. तो एक्चुअली मैं क्या करूँ कि जेड को मान लेती हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई. जैसे जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई माना तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन. नाउ इसे अपन ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टू एक्स वाई. ओके, नीचे आयोटा आयोटा को एक साथ ले लो, रियल पार्ट को एक साथ, तो क्या हो गया? एक्स माइनस वन ओके प्लस आयोटा वाई. अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से डिवाइड डिवीजन में होना, तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाले पार्ट को इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड. ठीक है, जैसे आप करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि आप बेसिकली आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसके कॉन्जुगेट से, मीन्स एक्स माइनस वन माइनस आयोटा वाई से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स माइनस वन माइनस आयोटा वाई. कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. जैसे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो इसे एक अपन नंबर बोल देते कि भाई एक नंबर टी है. ठीक है, टी कुछ भी बोल देते, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा लिखना नहीं चाहते ना, इसलिए लिख देते कि नीचे टी आएगा. और टी से इसलिए रिप्रेजेंट करें क्योंकि नीचे कोई एक रियल नंबर आ रहा है, समझ रहे, प्योरली रियल नंबर आ रहा है, क्योंकि वहां पर आयोटा खत्म हो जाएगा ना, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर. अब देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन, वो प्लस वन हो जाएगा. तो क्या बचेगा? प्लस ऑफ वाई स्क्वायर. तो इसको टी से रिप्रेजेंट कर देते. अब ये नंबर क्या था? ये नंबर था प्योरली रियल. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका इमेजनरी पार्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. और जब इसका इमेजनरी पार्ट जीरो, तो भाई इमेजनरी पार्ट के लिए क्या करो? आयोटा आयोटा के साथ की वैल्यू को एक साथ ले लेते हैं. तो आयोटा की वाली वैल्यू को जब अपन एक साथ लेंगे, इसका इसका इंटू होगा ना, तो बेसिकली अपने पास आएगा कि अपने पास आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स वाई. ओके, एंड यहां से आ जाएगा अपने पास माइनस ऑफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, डिवाइडेड बाई टी. टी एक रियल नंबर है, दिस इज इक्वल टू जीरो. तो डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू जीरो, टी के उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा? जीरो. नाउ इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा? इसको हम लिख सकते हैं क्या कि वाई को कॉमन ले लीजिए आप, तो ये क्या हो रहा है? एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स. ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा अपना माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, दिस इज इक्वल टू जीरो. अब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा वाई, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन. ओके, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स. ओके, और यहाँ से क्या बचेगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है? यहां से अपने पास दो रिजल्ट आ रहे हैं, इधर y इक्वल टू जीरो और दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो. तो ये क्या हो रही है? ये अपने पास हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो. तो जो इक्वेशन आई है इससे हम क्या बता सकते हैं? तो y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो मीन्स अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनाया था? x प्लस आयोटा वाई. तो
y इक्वल टू जीरो मीन्स इसका इमेजनरी पार्ट जीरो, इसका इमेजनरी पार्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ लाई करेगा, ये रियल एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो ये रियल एक्सिस होता है ना, ये वाला, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके हर एक पॉइंट पे y क्या होता है, जीरो होता है। मीन्स इसको रियल एक्सेस ही क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर प्योरली रियल नंबर्स लाई कर रहे हैं, वो नंबर जो कि प्योरली रियल हैं और उनका इमेजनरी पार्ट क्या है, जीरो है। तो एक तो पता चल गया कि भाई वो कॉम्प्लेक्स नंबर या तो इस लाइन पे लाई कर रहा है। सेकंड, इससे अपन क्या बताएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, ये डिनोट करता है एक सर्किल को जो कि ओरिजिन से पास होता है या फिर जो कि जीरो कॉमा जीरो से पास होता है। तो यहाँ से अपन को पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है, मीन्स जेड है, जेड के दो लोकस हो सकते हैं। देखो जहां पर मैं बताया था और लिखाओ और मीन्स अपन को यूनियन लेना है, अपन को दोनों के दोनों केस को कंसीडर करना है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इधर, वो क्या कर रहा है, वो रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है या वो एक सेंटर पे लाई कर रहा है जो कि जीरो कॉमा जीरो से पास हो रहा है। अब मैं इसके आपको ऑप्शन बता दूं कि इसके ऑप्शन क्या क्या थे, तो मैं यहां से बता देती हूँ आपको कि इसके ऑप्शन थे, वन मिनट, इसके ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन था इधर ऑन द रियल एक्सिस और ऑन अ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऑब्वियसली जो अपन ने बताया वही बात इसमें लिखी हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट। तो इसके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये गाइस आपने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के आपने 6 क्वेश्चन करवाए मैंने, लेकिन वो 6 क्वेश्चन में मैंने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन को कवर किया और आपको ये भी बताया कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। पता नहीं जे मेन वालों को क्या दिख गया है उसमें कि उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से दिए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर जे मेन के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इसे अच्छे से करेंगे तो आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं, मैं ये बात मान रही हूँ, कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो ठीक है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो आप क्या करते हैं, उन क्वेश्चन को आप बाद में अटेम्प्ट कर लेना, थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन आपको 4 नंबर तो मिल जाएंगे ना। और गाइस आज की वीडियो हमारी ये ओवर होती है, साथ में जो हमारा माइनर टेस्ट 1 था टेस्ट सीरीज का, उसका सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि उसमें बस एक चैप्टर बच रहा है, वो कौन सा, वो बच रहा है, मैंने बताया था आपको बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि मैं एक अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी, वो मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में जो उनका एप्लीकेशन होगा वो मैं आपको बताते जाऊंगी। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है ना, तो आपके फ्रेंड्स को भी कुछ हेल्प मिलनी चाहिए। साथ में गाइस आपको बताया मैंने कि आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अच्छे अच्छे, तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारी AIDS ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप वहाँ जाके क्वेश्चन को आप लिमिटेड टाइम, मीन्स आपको दिया होगा कि 3 घंटे में आपको प्रैक्टिस करना है, और जो हमारी AITS है ना वो हमारे क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग है। मीन्स क्या करो, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट को सीखो वहाँ जाके प्रैक्टिस करो, यहाँ से कॉन्सेप्ट को सीखो वहाँ जाके प्रैक्टिस करो, मीन्स म्यूचुअली दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। ओके गाइज, सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग न्यूरा ऑनलाइन कोचिंग।